बचपन में पढ़ा होगा सोमनाथ के ऊपर 17-18 हमले किए गए, सोमनाथ टेंपल के ऊपर महमूद गजनवी ने। ये तब से चल रहा है, तब से चल रहा है, और वो पाइल अप होते 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 इट हैज कम टू द माइंड सेट इन 1992। उसके बाद बाबर आए, बाबर के बाद औरंगजेब आए। हमको देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं औरंगजेब नाम की सड़क आज तक उनके मोमेंटो में रखी गई है, और ऐसे तुगलक हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इन सब के नाम की सड़कें निकाल देनी चाहिए। ये बड़े इतिहास में उन्होंने बहुत बदतमीजी की है हिंदुस्तान के साथ में, किसी एक कम्युनिटी के साथ में नहीं, हिंदुस्तान के साथ में उन्होंने बहुत बदतमीजी की है। और वो बदतमीजियाँ पाइल अप होते होते 1992 में आ गई। 1992 में ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है, ये जिस तरह से ये विवाद बना है, पहले का आता हुआ यहाँ तक आया, उसके बाद पाइल अप हुआ है, बड़ा होता गया है, नासूर बनता गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अ यंग मैन कॉल्ड मिस्टर सुनील सिंह हैड द ब्लडी वेल गट्स टू मेक अ फिल्म आउट ऑफ दैट। फिल्म, फिल्म में सच्चाई है। लिब्राहन कमीशन 1200 पेज का, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द गॉड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गॉड, उनकी तरफ से लिब्राहन कमीशन जो है बनाया गया है। ये लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, सुप्रीम कोर्ट इज आवर गॉड, और ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सच है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर है, उसको किसी एक दिल्ली के एक प्रसिद्ध क्रिएटिव जिसका नाम सुनील सिंह है, उसने अपने पूरे अपने रिसोर्सेज को इनकैश करके जिस हिसाब से फिल्म बनाई है, हम सब उनके साथ हैं। हमारा जो क्रिएटिव किंग है इन दिस मिस्टर पार्थ घोष, वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू हिम ऑल्सो, जिस हिसाब से उन्होंने इस फिल्म को, उन्होंने इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के गए हैं, तो सब एक, हर एक कम्युनिटी वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और ये फिल्म की फॉर्मेशन हुई है। और ये फिल्म की फॉर्मेशन में इतनी खूबसूरती है, इतनी सुगंध है, आई डोंट नो, अगर वो कहते हैं कि ये सच है तो फिर सच को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहिए? प्रॉब्लम क्या लाइफ में? सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में कुछ जो 3-4 बड़े बड़े लोग हैं उनको, उनके बारे में जो मुकदमा किया गया है कि 2 साल के बीच में इसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और उसके साथ में चलते चलते एक ऑनेस्ट आदमी जिसका नाम सुनील सिंह है, he has created a visual, a good honest visual out of that। मैं चाहूँगा कि आप पत्रकार हो और पत्रकार के साथ इंडियन भी हो, प्लीज गिव हिम ए राउंड अप्लॉज बीइंग इंडियन।